गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कुछ पार्ट जो बचा हुआ है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का, इसी एक टॉपिक का हम आगे कर लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आप और लिखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। फॉर ए गैसियस फेज रिएक्शन, फॉर ए गैसियस फेज रिएक्शन, टू ए गिव्स थ्री बी, टू ए गिव्स थ्री बी। यहाँ पे भी हम गैसेस लिखेंगे और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, गैसेस। और आगे देखो, प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम, प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम टू एटीएम टू 1.5 atm in 10 seconds, in 10 seconds, calculate rate of reaction in atm per liter per second. एटीएम पर सेकेंड। नंबर टू, रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन किसमें निकालना है, एटीएम पर सेकेंड में और एक मोल पर लीटर। एक पार्ट और लिख लो इसका, तीसरा, प्रेशर ऑफ बी इन द सेम टाइम इंटरवल, इन द सेम टाइम इंटरवल। नोट कर लिया, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एटीएम पर सेकेंड में निकालना है, तो सबसे पहले आप ये करोगे, गैसियस फेज है, तो अगर मुझे इसका डीएक्स अपॉन डीटी निकालना हो, तो यहाँ पे -1/2 डी, यहाँ पे इसका प्रेशर लिखें, पार्शियल प्रेशर अपॉन डेट इज इक्वल टू +1/3 डी, यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, अपॉन डेट चेंज इन प्रेशर। और ये आपको पता है इसका चेंज इन प्रेशर कितना था, शुरू में 2 एटीएम था और 10 सेकंड के बाद कितना हो गया, 1.5 एटीएम। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे पहली पार्ट में क्या पूछा हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन इन एटीएम पर सेकेंड पूछा हुआ है, तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहला जो पार्ट था रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस यहाँ पे डी पी ए अपॉन डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का लिखा है मैंने, ए का लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखना चाहते हो तो आप 1/2 कर लो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1/2 × 2 − 1.5 × कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.5, इसमें तो 0.5 बचा, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरे पास, 20, ये कितना हो जाएगा, 1/40, और एटीएम पर सेकेंड। ये मेरा पहला आंसर हो गया है कि 1/40 एटीएम पर सेकेंड। इसी को मुझे किसमें चेंज करना है, मोल पर लीटर। मेरा दूसरा पार्ट क्या हुआ, वी नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मुझे प्रेशर निकालना होता है तो एन अपॉन वी आर टी, तो इसका मैंने क्या बताया था, कंसंट्रेशन सी आर टी, और अगर मुझे डेल्टा पी निकालना है तो डेल्टा सी आर टी, और अभी मुझे सी निकालना है, डेल्टा सी की टर्म में यूनिट निकालनी है, तो डेल्टा पी अपॉन आर टी। यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितना है मेरे पास, 0.5 है, क्या लिखूंगा, 0.5 नहीं, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो आई ना मेरे पास, कंसंट्रेशन इसकी वो कितनी आई, 1/40 कितनी आई है,
1/40 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू 1/12 होती है, या हम 0.821 भी लिख सकते हैं, तो उसको शॉर्टकट में हम 1/12 लिखेंगे, 1/12 इंटू इंटू टी, टी अगर नहीं दिया हुआ था तो 25 डिग्री मानना है, और फिजिकल केमिस्ट्री में हम केल्विन में ही क्या लेते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं, चेंज जहाँ पे हो वहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 300 केल्विन, और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास लगभग 10^-3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। और अब हम इसका क्या करते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है, मुझे ये नोट कर लो आप, इसको क्या करेंगे बिठा लेते हैं ऊपर से, ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको बिठा लेता। मुझे ये पता ही है कि dx अपॉन जो dt जो हमने निकाला -1/2, और यहाँ पे जो भी हमारे पास dpa अपॉन dt इक्वल टू +1/3 dpb अपॉन dt, तो मुझे रेट ऑफ ए साइड b का निकालना है मुझे, तो b का अगर मैं निकालूंगा तो 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे d PB अपॉन DT इज इक्वल टू 3/2 इंटू, ये मेरे पास TPA का पहले हम निकाल चुके हैं कितना बढ़ता है, इस अकेले का हमने इस पूरे का निकाला था तो 1/40 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास इस अकेले का निकालेंगे ना तो 1/20, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1/20, तो मेरे पास 3/40 आ गया है, जो भी है इसका आंसर एटीएम पर सेकेंड। ये कहाँ से आया है ये आप देख लो, मैं बता देता हूँ, इसमें अगर माइनस यहाँ पे डी पी ए अपॉन डी टी जो ये था, इसको समझाने आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया -2 -1.5/10, तो क्या होगा 0.5/10, तो क्या होगा 1/20, ये मैंने यहाँ आगे निकाल दिया है, और क्या मेरे पास ये हो गया, लेकिन इसका क्या मतलब एटीएम पर सेकेंड, इसका मतलब एक सेकेंड में इतना प्रेशर चेंज हुआ, और सवाल में क्या पूछा है इसमें देखो कि 10 सेकेंड के बाद कितना चेंज होता है, तो हम इसमें लिखेंगे इन 1 सेकेंड चेंज, इन 1 सेकेंड चेंज इज इक्वल टू कितना हुआ 3/40 आया हुआ मेरे पास। पर सेकेंड का क्या मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ, और अगर मुझे 10 का करना है तो 3/40 × 10, ये मेरे पास कितना हो गया 3/4 मीन्स 0.75 ये मेरे पास क्या हो गया इतना चेंज हुआ है, ठीक है ना। नोट करो इस क्वेश्चन को, और भी हम इसके क्वेश्चंस करवाएंगे आपको अभी, तो उसके बाद सीखने को मिलेगी, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिया हूं तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2a + 3b gives c, 2a + 3b gives c, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एक एक नंबर के, मेंस लेवल के लगा लो, बोर्ड लेवल के भी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट करो, इसी क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें जो हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं,
तो लिख लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सबसे पहला है मेरा इसमें क्वेश्चन जो है, साथ ही साथ ही आंसर लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, क्या मीनिंग होगा? अगर मैं इसका आंसर यही लिखू तो इसका क्या मतलब है, इसका आंसर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए है, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए है, इसका क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ठीक है। दूसरा सवाल ये करते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, जब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मुझे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1/2 डी ए अपॉन डी टी। दोनों सवाल क्लियर हुए। और तीसरा इसमें एक क्वेश्चन और लिख लो आप, हाउ रेट ऑफ ए, इसका तीसरा पार्ट है, हाउ रेट ऑफ ए इज रिलेटेड विद रेट ऑफ ये भी बता दोगे, मुझे पता है कि दोनों बराबर कब होंगे, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों कैसे रिलेट करेंगे हम इनको, माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी बी बाई डी टी। ये हमारे पास क्या होगा इसका थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर मुझे लिखना है इसका, एक और फोर्थ पार्ट को नोट करो, देखो what will be the effect on rate when stoichiometric coefficient will change। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि what will be the effect on rate when stoichiometric coefficient will change। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज हो जाता है लेकिन रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। तो हम इसके अंदर, इसके आंसर में हम ये क्या बात लिखेंगे, देखो ऑन चेंजिंग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ ए रिएक्शन the rate of reaction will change but there is no change in rate of reaction of a particular reactant as well as product, there is no change in rate of reaction of a particular reactant or product, is it clear? इस सवाल से हमें क्वेश्चन से कई चीजें हमारी क्लियर हुई हैं और उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ रेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में लिख लो टाइप्स ऑफ रेट, types of rate। सबसे पहला हमारे पास average rate क्या है, average rate जिसको मैं AR से denote करूं,
एवरेज रेट का मतलब होता है किसी का भी रेट जो होता है वो एवरेज निकालते हैं। अगर हमारे पास केमिस्ट्री में अगर एक मोल सब्सटेंस भी लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं और हर एटम का रेट अलग अलग होता है, इसलिए हम सभी का क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। सपोज करो कोई गाड़ी 20 किलोमीटर अगर एक घंटे में जाती है तो उसका हम रेट कैसे निकालेंगे, उसका रेट हम एवरेज निकालते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्योंकि एवरेज अगर हमें निकालना है जो भी सपोज करो 20 किलोमीटर पर आवर आया, इट मीन्स ये तो है नहीं कि वो 20 किलोमीटर बिल्कुल कॉन्स्टेंट ही 20 की स्पीड के ऊपर कॉन्स्टेंट ही चले, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो हमने एवरेज ली हुई है, ठीक है ना। तो इसके हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो रेट मीजर्ड ओवर ए, रेट मीजर्ड ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय नॉमी, किससे ऑब्टेन किया जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो भी प्लस माइनस, मैं यहाँ पे सी टी टू माइनस सी टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। देखो कैसे निकाली जाती है कि कंसंट्रेशन एट फाइनल टाइम माइनस कंसंट्रेशन एट इनिशियल टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन विद द टू टाइम्स, और नीचे क्या लिखा मैंने चेंज इन टाइम। तो हम ऐसे किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ अगर देखता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नोट कर लो, ये भी टाइम है और यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन। अब ग्राफ भी क्या होंगे, अगर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर करता अलग ग्राफ बनेगा, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट करता अलग ग्राफ बनेगा। क्यों, देखो इसमें यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, समय के साथ कम होती चली जाती है, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का ग्राफ अगर मुझे बनाना हो कंसंट्रेशन और टाइम में, तो ये मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन किसकी है, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये क्या है टाइम है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी और टाइम अगर है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, तो इसका जो ग्राफ है वो ई हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो मुझे इसके ग्राफ के बारे में पता करना है, मुझे सपोज करो कोई रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो यहाँ पे कोई टाइम है, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन है इस टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन हमने लिखी, जो भी हमने टाइम लिखा सपोज करो 10 सेकेंड लिख दिए है, यहाँ पे इसकी 50 है सपोज करो, जो यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे जो है वो 20 सेकेंड कर दिया, यहाँ पे इसकी जो भी कंसंट्रेशन हमने 10-50 मोलर है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 10 मोलर। तो अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो हम निकाल देंगे 10-50 डिवाइडेड बाई 20-10, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 40/10 4 मोल पर सेकेंड, सपोज करो टाइम जो है वो हमारा सेकेंड के अंदर है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसके निकाल देंगे। और उसके बाद सेकेंड लिख लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मैं सेकेंड जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं